इस बारे में जो इतने कॉन्फिडेंस से वो कह रहे हैं कि मैंने भाजपा पर ट्रस्ट करके गलत किया, और साथ साथ उनकी ट्वीट पर भी कंट्रोवर्सी बन गई इमरान खान साहब की, साथ उनकी जेल में उनकी जो अकोमोडेशन है उस पर भी बात हो रही है, दोबारा से वो फिर से इसी बात पर आ गए हैं कि उनकी और एस्टेब्लिशमेंट की राइवलरी चल रही थी और यूएस का इसमें कोई हाथ नहीं था, ये फिर से प्रोपेगेंडा ही है या ये सेंसेशनलिज्म क्रिएट कर रहे हैं पीटीआई वाले भी और इमरान खान साहब भी? दुआ, सबसे ज़्यादा अहम बात तो ये है, प्लीज़ आप मेरी बात का बुरा न मानिएगा, कि हम हर दूसरे तीसरे प्रोग्राम में इमरान खान साहब की कह मुकरनिया यू टर्न नहीं इस्तेमाल करते, वो ज़ेर बहस लाए ला रहे होते। मतलब वर्ड यू टर्न सही नहीं है या रेलेवेंट नहीं है? सवाल ये उठता है कि उनके जो मद्दाहीन हैं पेशावर से लेकर कराची, क्या उनको इस तंजिए की ज़रूरत है? वो तो वही करेंगे जो उनकी दानिश में जिसे पिया चाहे वही सुहागन। और उस सिलसिले में मैं माफ़ी चाहता हूँ, जब मैं आपके एज ब्रैकेट 18 to 35 के साथ, जिसका यूथ बल चर्च वो कहा जाता है, उनसे जब बात करता हूँ तो वो ये कहता है आपकी नस्ल, आप लोग तो इस मुल्क के लिए क्या कर पाए भाई। अच्छा, और मैं संजीदगी से एहसास जुर्म में मुब्तला होता था आज से कुछ 3 या 4 दिन पहले तक। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, हम बहुत बेहुदा थे, बहुत फजूल थे, हम नाकाम रहे, हम पाकिस्तान को नंबर वन एक तो नाकाम हमने क्या बनाया भाई, अपनी ज़िंदगी में कौन सी कुर्बानी है जो नहीं दी, कितनी मरतबा नौकरियों से निकाला गया हूँ, क्या मेरे बच्चे नहीं हैं, क्या मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल की परवाह नहीं करनी चाहिए थी? अब जिन बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर हम अपनी तमाम तर जिल्लतें बर्दाश्त करते रहे, अब वो पढ़ने लिखने के बाद मुझे ये कहें कि आप लोगों तो ने ये तो भाई तुम आज़ादी करवा के दो मुझे, मैंने तुम्हारे हाथ रोके हुए, जाओ निकलो जाकर तोड़ दो अड्याला जेल का फाटक, मैंने तुम्हारे हाथ बांधे हुए। एक सिंपल सी बात है ना कि भाई मैं नाकाम हुआ हूँ तो आप कामयाब हो जाए, मुझे ये बताइए कि आपने मुझे कौन सी रोशनी की लहर दिखाई है। अभी मैं आपसे जो मैं अभी हम बात कर रहे हैं, यकीन मानो दिल को धड़का लगा हुआ है कि क्या इसको कुछ देख भी पाएगा या नहीं, क्यों नहीं, रीज़न बीइंग के अब आप ये देखिए, अभी हाल ही में फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई है, पाकिस्तान की रियासत के सबसे ताकतवर तरीन इदारे की मीटिंग हुई है, और फॉर्मेशन कमांडर्स जो हैं वो एक एक्सटेंडेड मीटिंग होती है, यानी वो तमाम लोग जो टॉप से डाउन तक फैसला साजी में होते हैं, उसका आप बग़ौर मुतालिया करें तो जो प्रेस रिलीज इशू हुई है अभी भी 2 दिन के गौर व खौज के बाद, वो ये कह रही है कि इस मुल्क में डिजिटल टेररिज्म हो रहा है। अब कैसे ये प्लेटफॉर्म है, हमने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है, दुआ जब नुसरत जावेद से सवालात करती है तो वो ये तवक्को करती है कि वो बातें जो शायद ये साहब न कर पाए अपनी ज़िंदगी में, खौफ में मुब्तला रहे, तो ये नौजवान नस्ल और जदीद टेक्नोलॉजी का आया हुआ तो यह प्लेटफॉर्म ये मुझे खुल के बात करने का मौका देगा। ये सोच के करती है ना या कुछ और सोच के कर रही है, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। तो अगर ये देख ही ना पाएगा कोई, ये क्यों हुआ है? आज से 10 साल बाद जब कभी कोई मुहक्क तारीख लिखेगा तो वो ये बताएगा कि कैदी नंबर 804 की मोहब्बत में एक ख़ास लोगों का ग्रुह जो है वो प्रमोट किया गया, उनके ज़रिए जानबूझकर इश्तियाल अंगेज़ बातें करवाई गई, उन्हें टॉलरेट किया गया, उनको काबिल एतबार बनाया गया, एक पूरी प्लानिंग हुई और उन्होंने कि वही लोग हैं जो 5th जनरेशन वॉर के लिए तैयार किए गए थे, अभी भी ये कल भी असासे थे आज भी हैं, आज भी हैं, यकीन मानिए।
सारे नहीं, फिर बाकी ज़ाहिर है वो भेड़ चाल हो जाती है, अरे साहब अपना यूट्यूब बना लो, अपना चैनल बना लो, अपना बना लो। यूट्यूब चैनल तो खोलने के लिए सबसे पहले ठीक मशवरा मिलता है। अब ये है कि अब यानी चंद ही दिनों बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान में फुली ऑपरेशनल एक यानी वो जिसको क्या वो फायरवॉल कहते हैं, मैं तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी से नहीं, इतनी मैसिव यानी फायरवॉल होगी कि आप और मैं जो गुफ्तगू करते हैं वो अक्सर लोग जो हैं अपने फ़ोन या लैपटॉप पे देख ही नहीं पाएंगे। तो भाई आप जो इनकलाब लेने निकले थे होना तो ये चाहिए था ना कि ये जो नए प्लेटफॉर्म आए हैं आप इसको काबिल एतबार ही ना बनाते बल्कि इसको सस्टेनेबल भी बनाते। कोई ऐसा तरीका जिससे ये मजीद ग्रो कर पाती चीज़ मजीद प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करती? आपने तो बाकायदा इश्तियाल दिला दिला कर घर बैठे हुए सड़क पे तुम में से एक बंदा नहीं निकलता जब वक्त शहादत आता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एवर रेडी हैं, घर पे बैठे हैं और टक 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 बताने के लिए कि हमारे लीडर के साथ कितना गलत हो रहा है। अरे कैदी नंबर 804 के साथ, वो खाली कैदी की बात छोड़ें जी, जिस तरह आप बाकायदा डेयर करते हैं, मतलब ये कि कौन ये चाहता है कि आज़ादी इजहार की नेमत से हम महरूम हों। लेकिन यार को क्रिटिकल थिंकिंग है तुम्हारी? अगर आज मैं आपको ये कहूँगा कि भाई साहब यार ये आप फैसला करके बता दो कि मेहदी हसन ने कैटेगोरिकली उनसे सवाल किया है कि आप अपनी मुश्किलात का जिम्मेदार किसको समझते हैं, नहीं बीबी, और उस वो बाकायदा वो चॉइसेस देता है, जैसे आजकल तो आप लोगों को क्या वो जो सवाल पूछा जाता है तो ए बी सी मल्टीपल चॉइस इस तरह की देते हैं ना, तो वो सवाल वो करते हैं कि आप अपनी मुश्किलात का जिम्मेदार किसको समझते हैं, और फिर वो ए बी सी देता है, आपके सियासी मुखालिफीन, अमरीका या पाक फौज। वो जवाबन कहते हैं कि बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरे खिलाफ सारी गेम जो है वो जनरल बाजवा ने की थी। अच्छा साहब, तो वो जो मुझे कहा गया हकीकी आज़ादी और साइफर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, रेजीम चेंज, यूएस रेजीम चेंज, यही सारे हैशटैग यूज होते थे। तो भाई मुझे बताओ क्या ये उस वक्त दुरुस्त है या आज दुरुस्त है? और हम उन बातों को मैं अगर ये सवाल उठाऊंगा तो कहेंगे ये बुढ़ी नस्ल के लोग, कॉम्प्रोमाइज लोग, लिफाफे, ये तो बिक चुके हुए बिकाऊ माल, अरे बंद करो यार इसको क्या समझो, डाउट है। मैं दावे से कहता हूँ कि इस वक्त भी अपनी तमाम तर महदूदात के बावजूद वाकईतन अगर आज़ादी इजहार की कोई लड़ाई हो और उसकी कुर्बानी देनी पड़े तो शायद मैं को मरने के लिए तैयार हूँ। ये डिजिटल टेररिज्म वाली जनरेशन तो नहीं होगी, लेकिन उनको क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान लगता है, वो भी सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक। बाकायदा एक बाकायदा जी किताबें लिखी गई हैं बीबी, मैंने बहुत दफ़ा हवाला दे दे के आपको, ज़ैनब तौफीकी ने, देखिए ये ट्विटर के ज़रिए सो कॉल्ड अरब बहार आई थी, अब कितने दिनों से वहाँ खिजा छाई हुई है, असीसी की सूरत आई हुई है या नहीं, तो हम उसी मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुबारक हो भाई आज की नौजवान नस्ल को, साहब हम झूठे थे, हम बिकाऊ थे, हम बिक गए, आपने जो मुझे अयूब खान के दौर में जो शेर सुनने को या बात करने को मिल जाती थी, ज़िया के दौर में जो मैं बात कर लेता था, जनरल मुशर्रफ के दौर में मैं जो दो चार लाइनें लिख देता था, आपने मुझे उससे भी महरूम कर दिया। मैं आपके इनकलाब को सलाम पेश करता हूँ, यही कह सकता हूँ, पुराना मानिए आप मुझे बताइए कि कितने फर्ज करें कि अगर 25 इस एज ब्रैकेट के पीयर ग्रुप बैठा हुआ है तो हाउ मेनी पीपल डिस्कस यानी कि पॉलिटिकल इश्यूज? They don't discuss political issues, वो तो सिर्फ main बातें। Scholarship कहाँ मिलनी है? है या नहीं? अगर politics की बात करेंगे भी तो यही कि इमरान खान एक savior है, एक superhero है, 1992 का World Cup जीता था,
बस फिर 99 इससे आगे बढ़ते ही नहीं है। बहरहाल मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इस एडवेंचरिज्म की वजह से हम एक लंबी खामोशी से दो चार होने वाले, और शायद अगर आपको मेरे साथ करना है तो दुआ मेरे साथ बैठ के ये बात किया करें कि नुसरत साहब आपने फलां फिल्म देखी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। नो नो, पॉलिटिक्स पे बात ना करें, टोटल साइलेंस। मुझे खदशा है हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, और अल्लाह मेरे मुंह में खाक, मैं चाहता हूँ मैं गलत साबित हूँ और आज की नौजवान नस्ल मुझे गलत साबित करे। मेरी कब्र पे जूते मारे कि तुम मुझे गुमराह कर रहे थे, मेरी दिल से ख्वाहिश है, लेकिन मुझे खदशा है। तो बस अब टोटल साइलेंस की तरफ हम जा रहे हैं, दुकान बंद होने वाली है। अब यही है कि सोशल मीडिया गए और ये इंस्टाग्राम और ट्रेंडिंग टिकटॉक किस्म की चीज़ें जो होती हैं बस इसी तरफ चल पड़े। नो सीरियस कंटेंट, नो क्रिटिकल थिंकिंग, नो डायलॉग, नथिंग। अल्लाह करे मैं गलत हूँ। देखते हैं नुसरत साहब अगले हफ्ते तक दुकान बंद होती है या नहीं। चलें इसी नोट पे हम फिर कंक्लूड करते हैं प्रोग्राम, और देखते हैं कि अगले हफ्ते तक आपको नई नस्ल गलत साबित करती है या नहीं। लेट्स सी।